संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अचानक भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर दोबारा चर्चा शुरू हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान भारत का समर्थन करने को राजी हो गया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका के दौरे पर गए थे। उस दौरान बिलावल भुट्टो ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया। अब ये दावा किया जा रहा है कि इसी बैठक में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में ये डील हुई है। इस डील के तहत पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता को लेकर भारत के साथ खड़ा रहेगा। जैसे ही ये खबर दुनिया में फैली तो आनंद फानन में पाकिस्तान को सफाई देते हुए ये कहना पड़ा कि ये खबरें गलत हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ बड़ा खेल तो जरूर चल रहा है। जानकारों का मानना है कि इस वक्त वैश्विक स्तर पर भारत की जो ताकत है उससे अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ही दबाव में हैं। अमेरिका रूस पर भारत के रुख को लेकर काफी समय से परेशान चल रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान यूरोप की नजरों में भी भारत का कद काफी बढ़ गया है। भारत बिना किसी दबाव में आए वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। इसी वजह से अमेरिका टेंशन में है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान और यूक्रेन में अपनी नीतियों को लेकर अमेरिका दुनिया भर की आलोचनाएं झेल रहा है। इसी बीच ये भी आशंका जताई जा रही है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये अमेरिका के लिए करो या मरो की स्थिति होगी। इसलिए अमेरिका चाहता है कि कम से कम चीन को लेकर तो भारत उसके साथ आ जाए। यही कारण है कि अमेरिका काफी समय से भारत को लुभाने की कोशिश कर रहा है और इसी क्रम में अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बहरहाल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर दावेदारी मजबूत होती जा रही है। भारत कई बार संयुक्त राष्ट्र में सुधारों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार की बात कर चुका है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए दुनिया के कई देश अब भारत के साथ खड़े हैं। भारत को फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन का साथ मिल चुका है जो पहले से ही सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। मजे की बात तो यह है कि यहाँ सबसे बुरी हालत अब पाकिस्तान की हो गई है, जिसे ना रूस ने अपनाया और ना ही अमेरिका ने। साथ ही साथ अब चीन ने भी पाकिस्तान का गला पकड़ लिया है। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।